नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो दर्शकों, अगर आपको कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन। और शुरुआत करेंगे मूलांक एक सूर्य का अंक है, चलित में जो वर्ष है उसका भी अंक एक ही है। तो मूलांक एक वालों के लिए थोड़ा समय एकांत में बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों की भावनाएं आसानी से आज समझ जाएंगे, लोगों के सम्मान करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक एक वालों के लिए, आसमानी जो रंग है वो आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो चंद्रमा का भोलेनाथ का शिव शंभू का अंक है। व्यापार में सफलता के लिए फुर्ती से काम करना जरूरी है। आपने थोड़ी सी ढील की, काम आपके हाथ से निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस के दम पर ही आगे बढ़ पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भरपूर सहयोग आज आपको मिलेगा। शुभ रंग की जहां तक बात है, क्रीम जो रंग है वो मूलांक दो वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, गुरु का अंक है, भगवान विष्णु का अंक है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है आज आपको। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, हाँ नौकरी में नया काम मिल सकता है। लोगों से तालमेल जो है वो बना के रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक तीन गुरु के अंक वालों के लिए, तो पीला जो रंग है वो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक आज सिद्ध होगा। कैलाश, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रंगों का त्योहार होली, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन उस विषय पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले कैलाश जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, चित्तौड़गढ़ से दीपिका हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10/10/1987। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार दीपिका जी। गुरु जी, मेरा विवाह कब तक हो जाएगा? काफी विलम्ब हो रहा है विवाह में, और किस दिशा में हम जाए कि शादी जल्दी हो जाए? दीपिका जी, आपकी जन्म की तारीख 10/10/1987, एक आपका मूलांक है, 9 आपका लकी नंबर है। शुद्ध रूप से मंगल का प्रभाव, जो लकी नंबर 9 है, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। किसी भी मंगलवार को एक बार पूरे हनुमान जी की, किसी भी मंदिर में हनुमान जी की पूरी अंगी करवा दीजिए। श्रृंगार का जो सामान रहता है, पूरा जो चढ़ावा रहता है पुजारी जी के द्वारा, वो हनुमान जी के करवा दीजिए। आपका मूलांक एक है, चलित में जो वर्ष चल रहा है 2017, उसका टोटल भी एक ही आता है। 19 दिसंबर 2017 से पहले भरपूर योग बनते हैं विवाह के। और आप दिशा की बात करें, जन्म स्थान जो आपका है उससे दूर रिश्ता रहेगा, उससे दूर जाने के पूरे योग हैं। तो अपने जन्म स्थान वाले शहर को छोड़ के आप रिश्ता देखिए, जल्दी रिश्ता बन जाएगा। लड़का जो रहेगा वो व्यापारिक दृष्टिकोण वाला रहेगा, नौकरी वाला नहीं रहेगा। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से अशोक जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 30/10/1957। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए अशोक जी अपना। सवाल पूछिए अशोक जी अपना। हाँ गुरु जी, तो मैंने कहा रिटायरमेंट में बिजनेस करना चाह रहा हूँ जी। तो किस तरह का बिजनेस करूँ, क्या है व्यापार जी? एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि तो आने वाला भविष्य कैसा होगा उनका, और दूसरा उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन खुले हैं उनके पास? अशोक जी, आपके जन्म की तारीख 30/10/1957,
तीन, तीन और जीरो, तीन का अंक मूलांक गुरु का बनता है। रिटायरमेंट का समय है, ले लीजिए। और रिटायरमेंट के बाद एजुकेशन से जुड़े हुए किसी विभाग में दोबारा से नौकरी लगना या एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी चीज़ का व्यापार करना, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी के काम के अंदर भूल से भी आप हाथ न डालिए, आपको प्रॉपर्टी के काम करने का ऑफर बहुत मिलेंगे लेकिन वो करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। एजुकेशन के अलावा आप कोई रेस्टोरेंट, होटल या फूड से संबंधित कोई काम करते हैं अशोक जी, तो वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, साझेदारी पार्टनरशिप के अंदर आप किसी भी तरह का काम न कीजिएगा, करने से नुकसान ही होगा। कैलाश जी, आज हम होली पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है, साथ ही इसका और क्या महत्व है अंक ज्योतिष के अनुसार, वो जानना चाहते हैं आपसे। दर्शकों, बरसों बरस कह सकते हैं कि हमारे जन्म से पहले होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। जब तक सदी चलेगी हिंदू माइथोलॉजी के अंदर होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण के अंदर होली के त्यौहार की अगर एनालिसिस किया जाए तो रंग, अंक ज्योतिष स्वयं एक कलर कॉम्बिनेशन थेरेपी के ऊपर काम करती है और रंग जो है वो होली का पहला पर्यायवाची शब्द है। तो होली के दिन जितने हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए, व्यक्ति के जो शौर्यता है या जो उसकी ताकत है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। गहरे रंगों से होली को खेलना नुकसानदायक सिद्ध होता है। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण के अंदर इस दिन, इस बार होली 12 तारीख को है, एक और दो तीन के अंक में, अंक ज्योतिष का जो सर्वश्रेष्ठ अंक है तीन, गुरु, गुरु के अंक में इस बार होली का पावन पर्व है। तो 12 तारीख को होली अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन जितनी पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर सकते हैं वो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली आपके लिए रहेगा। और बात करें मूलांक के अनुसार अगर होली के महत्वता की, तो मूलांक 1, 4 और 8 इनके लिए होली थोड़ा सा उठा पटक वाली रहेगी। इस दिन किसी भी विरोधी से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। और मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए और भी सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन आप कोई बिजनेस की डील करते हैं, परिवार में कोई मन मोटाव है उनको आप खत्म करते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और मूलांक 2, 5 और 7 ये जो अंक रहते हैं 2, 5, 7 ये ठंडे अंक रहते हैं। तो 12 तारीख को होली वाले दिन आप किसी भी व्यापारिक चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। पुरानी उधारी अगर आपकी कहीं अटकी हुई, उससे अगर आप प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो पुराना अटका हुआ पैसा भी आ जाएगा। और अगर आपको स्वास्थ्य में दिक्कत महसूस होती है तो किसी भी देवी के मंदिर में पूजा पाठ करना होली वाले दिन विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, तो आपने मूलांक के अनुसार बता दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष पूजा अर्चना करना चाहता है होली पर, कोई अनुष्ठान करना चाहता है, तो किसका अनुष्ठान कर सकता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, वो जानना चाहेंगे आपसे। दर्शकों, वैसे होली को ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस भगवान का पर्व है, लेकिन गहराई में जाके देखे तो नरसिंह अवतार वगैरह हुए थे या जो होलिका का दहन हुआ था उन समय भगवान विष्णु की जो है प्रमुखता रही थी। तो शुद्ध रूप से होली जो रहता है भगवान विष्णु का त्यौहार माना जाता है। विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। होली वाले दिन किसी भी तरह का कष्ट हो, शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही हो या कोई टोक लगी हो या आपको काफ़ी समय से ये लग रहा है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं प्रॉपर सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए एक अचूक उपचार, चाहे उसको टोटका कहे जैसे अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से ले या होली के दृष्टिकोण से ले, होली वाले दिन आप अपने पूरे घर में एक नारियल घुमा के और जो होली का दहन होता है उसमें डाल दीजिए, तो आपके घर के अंदर जो कष्ट है वो होलिका के अंदर दहन हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास रहेगा। सूखा नारियल पूरे घर में घुमाकर आप होली का दहन वाली जगहों पे डाल दीजिए, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 4 राहु का उठा पटक का अंक है। इनकम के नए रास्ते आपके सामने आएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, कोई मौका आपके हाथ से एकदम से निकल सकता है, थोड़ा सा संभल कर अपना निर्णय लीजिएगा। मूलांक 5, 4 वालों के लिए हरा रंग जो है वो बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। मूलांक 5 बुध का अंक है। सावधान रहें,
किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें तो ही अच्छा है। अपनी बेचैनी को नियंत्रण में रखिएगा, किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर न करें। मूलांक पांच वालों के लिए लाल रंग जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक छह शुक्र का अंक है, देवी कृपा का अंक है। आज सुस्ती महसूस होगी, अपने ही विचारों और पुरानी गलतियों को लेकर थोड़े से परेशान भी रहेंगे। अनार खाएं और लोगों के और साथ के जो लोग हैं उनको भी खिलाएं। प्रेम पूर्वक खाना पीना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक छह वालों के लिए, काला जो रंग है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। कहीं मचाइएगा आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।